बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, टॉपिक नेम इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेट्स रिकॉल व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इट्स मास एंड वेलोसिटी। कि मोमेंटम एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एसोसिएट करती है ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मास तो होगा हर ऑब्जेक्ट का, अगर वो मूव करेगा तो उसका कोई ना कोई मोमेंटम भी होगा। तो मास इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। पहले कंजर्वेशन को देखते हैं। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व रहना, कॉन्स्टेंट रहना, चेंज ना होना। कि अगर हम किसी भी सिस्टम के या ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके मोमेंटम का हमेशा जितना इनिशियल था उतना ही हमेशा होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए सिस्टम। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑलवेज रिमेन्स द कॉन्स्टेंट। अब मोमेंटम का तो पता है, सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? पहले देखते हैं सिस्टम क्या होता है। कि अगर दो या दो से ज्यादा बॉडीज को किसी सर्टन बाउंड्रीज में रख दिया जाए, दे फॉर्म दे मेक अ सिस्टम। इसकी एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल हमारी क्लासरूम है। कि क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, वो अगर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो सिस्टम के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडीज हैं, वो आपस में तो इंटरेक्ट कर सकें लेकिन एक्सटर्नल कोई भी फोर्स आके उनको डिस्टर्ब ना करे, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स जो हैं वो आप बैठे हुए हैं, वो आपस में तो इंटरेक्ट करेंगे लेकिन अगर बाहर से कोई भी फोर्स आके उनको डिस्टर्ब ना करे, बाहर से कोई थर्ड पर्सन आके उनको डिस्टर्ब ना करे, तो वो सिस्टम क्या बन जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। इसकी जो एग्जांपल है, अगर पेपर में डेफिनेशन आती है तो आप एग्जांपल क्या दोगे? कि गैस मॉलिक्यूल्स इनक्लोज इन अ कंटेनर। कि किसी भी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने रखा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, अगर आपस में तो इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल कोई भी फोर्स आके उसको डिस्टर्ब, सिस्टम को जो है उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे, उसको डिस्टर्ब ना करे, तो वो सिस्टम क्या बन जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि इस तरह के सिस्टम है जिसमें बॉडीज इंटरनली तो इंटरेक्ट करेंगी लेकिन एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट ना करे, तो इस तरह का जो सिस्टम का मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। अब इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर। आप लोगों की बुक में दो एग्जाम्पल हैं, एक जो है वो स्फीयर वाली एग्जाम्पल है और एक आपके पास गन एंड बुलेट सिस्टम की एग्जाम्पल है। मोस्टली पेपर में आता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर्स। तो स्फीयर से हम इसको देखते हैं, गन एंड बुलेट सिस्टम को बाद में देखेंगे। तो स्फीयर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करते हैं इन विच टू स्फीयर ऑफ मैसेज m1 एंड m2 आर प्रेजेंट। m1 मास मूव विद द वेलोसिटी ऑफ u1 एंड m2 मूव विद द वेलोसिटी ऑफ u2। u1 इज ग्रेटर देन u2 यानी कि वेलोसिटी ऑफ मास m1 इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ u2। मूविंग इन बोथ मैसेज आर स्फीयर आर मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये जो एरो हेड है रिप्रेजेंट करें इनकी डायरेक्शन को, वो किस तरफ का मूव कर रहे हैं। और जो मैस m1 है उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू m2। ये हमने एक स्नैरियो सेट किया हुआ है, उसके अंदर देखिएगा कि जो एक एक्सटर्नल सिस्टम कंसीडर किया हुआ है कि सिस्टम के अंदर मैसेज जो है वो मूव कर रहे हैं, स्फीयर जो है वो मूव कर रहे हैं। इनिशियली जो है वो हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है u1 के साथ, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, जो चूंकि m1 की वेलोसिटी ज्यादा है तो m1 जो है वो अप्रोच करेगा m2 को। जब अप्रोच करेगा m2 को, ये जाके इसके साथ हिट करेगा, इसके साथ टकराएगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। ये था जब बिफोर कोलाइजन, ठीक है, ये कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के, जब ये कोलाइड करेगा तो m1 जो है वो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा और बाय न्यूटन ये एक्शन होगा, ठीक है, बाय न्यूटन थर्ड लॉ m2 भी इसके ऊपर एक फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी रिएक्शन, ठीक है। अगर ये जो m1 है वो अगर इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है वो एक्शन होगी, लेकिन इन रिस्पॉन्स न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन भी होता है, इक्वल बट ऑपोजिट। अब यहाँ पे m1 जो है वो m2 पे लगाएगा, m2 जो है वो m1 पे लगाएगा।
जब यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगी इंटरनली, है ना, इंटरनली ये इंट्रैक्ट किया है, तो ये फोर्स एक्ट करेगी इनके ऊपर, तो यहाँ पे इसकी फोर्स की वजह से एम टू की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और एम टू की फोर्स की वजह से एम वन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि जो एम वन है उसकी वेलोसिटी बन जाएगी वी वन एंड एम टू जो है वो बन जाएगी वी टू। अब चूंकि यहाँ पे देखें बाय न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो एक्शन रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट, इनके इफेक्ट कैंसिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। यहाँ देखें कि अगर फोर एम वन जो है वो एम वन जो है वो एम टू के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो एम टू भी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स इक्वल बट ऑपोजिट टू डिफरेंट बॉडीज है, यानी कि जितनी फोर्स एम वन ने एम टू पे लगाई है उतनी ही उसने उस पर लगाई है, तो जितना एम वन की वेलोसिटी एम वन ने की फोर्स ने जाके एम टू की वेलोसिटी चेंज की है उतनी ही एम टू ने जो है वो एम वन की वेलोसिटी भी चेंज की है, तो इक्वल चेंज आया। तो इसलिए जो आफ्टर कोलिजन जो एम वन की वेलोसिटी बिकम्स वी वन एंड एम टू वेलोसिटी जो है वो बन जाएगी वी टू। ठीक है, अब ये समझ आ गया सारा कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि फोर्स एक्ट करिए तो मोमेंटम चेंज हो जाता है, अब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है बल्कि यहाँ पे इंटरनली ही इंट्रैक्ट करते हुए जो टोटल फोर्स रही है वो इक्वल रही है, इसलिए जो चेंज भी आएगा वो दोनों में इक्वल चेंज आएगा। तो अब मैथमेटिकली इसको प्रूफ करते हैं कि डायग्राम से अगर समझ आ गई है तो हम मैथमेटिकल इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हुए यहाँ पे पहले हेडिंग बनाएंगे, पहली हेडिंग जो हम बनाएंगे वो बिफोर कोलिजन बनाएंगे, सिस्टम का जो मोमेंटम होगा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। तो अब देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मतलब कि बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ मास एम वन के सिस्टम के अंदर जो मास एम वन का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एम वन यू वन, क्योंकि मास मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिमिलरली इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास एम टू, सिस्टम के अंदर टू है ना स्फीयर्स, एक एम वन है एक एम टू है, तो दो एक पहले का एम वन का मोमेंटम क्या होगा एम वन यू वन और सेकेंड मास का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा एम टू यू टू। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन क्या होगा, टोटल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सिस्टम के अंदर हम दो स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, तो उन दोनों के मोमेंटम का जो सम होगा हम उसको करेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन क्या होगा इन दोनों का सम, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। ठीक है, फिर कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद यहाँ पे देखे कोलाइड हुआ, मैंने इसको एक्सप्लेन किया, कोलाइड होने के बाद जो एक्शन और रिएक्शन हुआ उसकी वजह से वेलोसिटीज ऑफ मास एम वन एंड एम टू जो है दोनों स्फीयर की वेलोसिटीज चेंज होगी। चेंज तो आया लेकिन इक्वल आया, जितना उसमें आया उतना उसमें आया, तो इस तरह से टोटल चेंज हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट रहा क्योंकि इंटरनल ही है ना, तो इंटरनल कांस्टेंट चेंज जो है वो क्या रहा सेम रहा। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा आफ्टर कोलिजन, नेक्स्ट केस क्या होगा कि कोलिजन करने के बाद जो एम वन की वेलोसिटी बन गई है वो वी वन बन गई है एंड एम टू मूव विद द वेलोसिटी ऑफ वी टू, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ स्फीयर मास एम वन जो है वो क्या होगा एम वन वी वन एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ मास एम टू क्या होगा एम टू वी टू। तो एम टू यहाँ पे दोनों का मोमेंटम हमने देखा फाइनल था, तो टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यानी कि स्फीयर एम वन एंड एम टू का टोटल जो मोमेंटम होगा इन दोनों का सम होगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। अब वो पहले इक्वेशन जो पहले इनिशियल वाली थी वो वन थी, ये वाली जो है वो आपके पास टू इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन को अब कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि बाय द डेफिनेशन कि टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, हमने कौन सा सिस्टम कंसिडर किया आइसोलेटेड सिस्टम, कि टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स द कॉन्स्टेंट, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा सेम रहेगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सेम होना, इन दोनों का प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखें कि हम दोनों इक्वेशन जो है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन को जब कंपेयर करेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये फाइनल इक्वेशन है फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन केस ऑफ टू स्फीयर ऑफ मासेस एम वन एंड एम टू। ये आपका हमने लॉ जो है वो प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ टू स्फीयर ऑफ मासेस, ठीक है, एम वन एंड एम टू। इस तरह से हम इस लॉ को जो है वो प्रूफ करेंगे, प्रूफ करते हुए हमने यहाँ किया कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता।
तो अब आपके बुक, ये हमने एक एग्जांपल से प्रूफ कर दिया. नेक्स्ट जो आपकी बुक में एग्जांपल है वो है गन एंड बुलेट सिस्टम की. वो आप लोगों ने खुद कोशिश करनी है, अगर नहीं होगा तो आप कंसल्ट कर सकते हो. उसके अंदर क्या होता है कि गन एंड बुलेट सिस्टम है, ठीक है, बिफोर फायर जो गन और बुलेट दोनों जो है वो रेस्ट में होंगी. रेस्ट में ही यानी होगी तो वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, जीरो. तो मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो. इनिशियल यानी कि बिफोर फायर. आफ्टर फायर जब मूव करो, फायर करोगे, गन जो है वो आपके पास जो बुलेट है वो आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है, आगे की तरफ जाएगी, और जो गन है वो रिकॉयल करती है यानी कि गन को पीछे की तरफ झटका लगता है. तो बिफोर जो है वो फायर जो है उसका मोमेंटम जीरो था, आफ्टर जो है दोनों का सम जो है वो आपके बुक पे मेंशन है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. तो टोटल मोमेंटम उसका जो है वो कंजर्व रहेगा. ये आप लोगों ने खुद के लिए असाइनमेंट है, अगर समझ नहीं आएगी तो आप कंसल्ट कर सकते हो. इसको अच्छे से आपने लर्न करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. थैंक यू.